हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई, इसका कारण क्या था? जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध, जिसका जो परिणाम हुआ था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, इसमें करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई थी, देशों ने अपार जो धन संपदा थी हथियारों के निर्माण पर खर्च कर दी थी, तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि इस शक्ति और धन का जो प्रयोग है यदि रचनात्मक कार्य में हो तो इस विध्वंस को रोका जा सकता है। तो ऐसा जो युद्ध है विश्व में कभी दोबारा न हो, उसको रोकने के लिए UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। हम लोग यहाँ ये भी जान लेते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1939 को स्टार्ट हुआ था, जो कि 1945 तक चला था। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूँकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की पहली बैठक हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में निम्नलिखित पहलुओं पर यहाँ बल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। राष्ट्रों के बीच एक दूसरे का सम्मान और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक समस्याओं का विश्व स्तर पर निवारण करना, यही सब कारण था जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसकी आधिकारिक जो भाषाएं हैं अर्थात जिसे मान्यता दी गई है वो कौन सी भाषाएं हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश है। इसका राष्ट्रध्वज कैसा है? हल्की नीली पृष्ठभूमि पर श्वेत रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है। इसका प्रतीक क्या है? जैतून की दो वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से कैसी होगी? खुली होगी, और जो बीच में होगा वहाँ विश्व का मानचित्र भी बना होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसे? महासभा को। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका सभा है। इसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही वोट देने का अधिकार होता है। महासभा शांति, निशस्त्रीकरण, आर्थिक विकास, परमाणु शक्ति का उपयोग, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार इत्यादि सभी विषयों पर विचार कर सकता है। तो यहाँ निशस्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है? विनाशकारी जो हथियार थे या जो विनाशकारी अस्त्र शस्त्र हैं उनको नष्ट करना तथा उनके उत्पादन पर रोक लगाना, यही है निशस्त्रीकरण। इसकी बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है, किंतु सुरक्षा परिषद के आह्वान पर इसकी आपात बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। दूसरा कौन सा है? सुरक्षा परिषद। यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, जबकि अस्थायी जो सदस्य हैं वो महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए सदस्य राष्ट्रों में से चुने जाते हैं। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें 54 सदस्य होते हैं जो महासभा द्वारा कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवतावादी समस्याओं के लिए किए गए कार्यों की सूचना महासभा को देती है। चौथा हम लोग देखते हैं न्यासी परिषद। इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का
उन राष्ट्रों के प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व स्पष्ट होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं, जिनमें से 4 प्रबंधनकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वासित सदस्य होते हैं। इसका प्रमुख कार्य प्रत्येक सदस्य देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना तथा उन्हें विकास की दिशा दिखाना है। अंतिम न्यास क्षेत्र पलाउ द्वारा 1994 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद न्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। पांचवा देखते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका निर्वाचन 9 वर्षों की अवधि के लिए होता है। महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य करते हैं, जो इसका निर्वाचन है जो कि 9 वर्ष के लिए होता है। कौन करता है? महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य करते हैं। किसी भी सदस्य राष्ट्र से कम 2 न्यायाधीश चुने जाते हैं। इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड में। न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष का तथा एक उपाध्यक्ष का जो चुनाव करती है, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए इनका चुनाव करती है। न्यायालय की जो सरकारी भाषाएं हैं कौन सी है? फ्रेंच तथा अंग्रेजी। लास्ट हम लोग देखते हैं सचिवालय। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है? प्रशासनिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन कार्यों को करने के लिए एक सचिवालय की स्थापना की गई, जिसमें लगभग कितने कर्मचारी कार्य करते हैं? 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के अभिप्रस्ताव पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए होती है। प्रधान कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया। महासचिव की सहायता अवर महासचिव और सहायक महासचिव करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख संगठन, जो जो संगठन इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे, उनके मुख्यालय कहाँ है, उनकी स्थापना कब की गई, तथा जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे साथ ही साथ हम उनके उद्देश्य भी देखेंगे कि उनकी स्थापना क्यों की गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेड क्रॉस। जो रेड क्रॉस है उसका जो मुख्यालय है कहाँ है? जेनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना, इसका उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना की गई जो घायल लोग हैं और जो युद्ध कैदी हैं उनकी देखभाल के लिए रेड क्रॉस की स्थापना की गई। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो है लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यहाँ IOC का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ जो IOC का फुल फॉर्म होगा वो होगा इंटरनेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ क्या होगा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC, इसकी स्थापना 1909 में की गई। इसका जो मुख्यालय है दुबई में है। ICC का यहाँ जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं के नियंत्रक तथा नियामक ये जो है संस्था है। ठीक, अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 में की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
मजदूरों की अवस्था और रहन सहन के स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंटरपोल, इंटरपोल की स्थापना कब की गई? 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन यानी कि फ्रांस में। इंटरपोल का यहाँ फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरपोल का संक्षेप रूप है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध कार्य करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है विश्व बैंक। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था जिससे कि विश्व बैंक की स्थापना की गई? इस बैंक का उद्देश्य था निर्धन, साधनहीन तथा विकासशील देशों को वित्त एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना जिससे कि उनका आर्थिक विकास हो सके। अगला है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? जिनेवा में, और इसकी स्थापना 1995 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विश्व व्यापार पर नज़र रखने वाली ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। यानी कि जो दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, अब दूसरे देश के साथ व्यापार करने का उसका कारण क्या होगा? या तो उस देश में क्या होगा, उत्पादन की कमी होगी, या तो ऐसा हो सकता है उस देश की अपेक्षा दूसरे देश में जो सामान होगा वो सस्ता होगा, तो इसीलिए विश्व व्यापार किया जाता है। अगला है अरब लीग। इसकी स्थापना कब की गई? 1945 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्र का परस्पर सहयोग तथा हित संवर्धन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। IMF का यहाँ फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 1945 में की गई और जो इसका मुख्यालय है कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन UNESCO, यूनेस्को यानी कि इसकी जो स्थापना है कब की गई? 1945 में की गई। इसका मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। यहाँ जो यूनेस्को का फुल फॉर्म है वो होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रोम में है, ठीक। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका भी प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन, वानिकी और जो विपणन संबंधी शोध विषय है उनका अध्ययन करना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
ICJ यानी कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जुरिस्ट, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जुरिस्ट, इसकी स्थापना 1945 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, द हेग यानी कि नीदरलैंड में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उन पर जो कानूनी विवाद है उनका निपटारा करना। ठीक, अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, इसकी जो स्थापना हुई 1946 में की गई और जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का यहाँ फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व में बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के लिए कार्य करना। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका फुल फॉर्म तो आप सभी को मालूम होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है कब की गई, 1948 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। ठीक, इसका जो उद्देश्य है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और संचारी जो लोग है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और जो रोग है उस पर नियंत्रण पाना। ठीक है, अगला देखते हैं नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नाटो का जो है वास्तविक उद्देश्य तो ये था यूरोप और अमेरिका के देश को बचाना जो कि रूस द्वारा हमला किया जाना था। साथ ही साथ इस संगठन ने यूरोपीय राष्ट्रों को भी मानसिक रूप से स्थिर कर दिया। अगला है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद कमकॉन, इसकी जो स्थापना है 1949 में की गई और मुख्यालय कहाँ है, मास्को यानी कि रूस में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी कि UNHCR, इसका यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस हाई यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसकी जो स्थापना है 1950 में की गई और मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य जो कार्य है शरणार्थियों की रक्षा, स्वदेश वापसी, पुनर्वास तथा रोजगार को पुनः प्रारंभ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं अन्य सहायता प्रदान करना। साथ ही साथ 1981 में इस संस्था को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1950 में की गई और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्य उद्देश्य मौसम विज्ञान संबंधी कार्यों एवं निरीक्षण को बढ़ावा देने के लिए पृथ्वी पर स्थान स्थान पर स्टेशन और केंद्र स्थापित करना तथा उनके स्तर को ऊँचा उठाना है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी जो स्थापना है 1957 में की गई
और मुख्यालय कहाँ है? वियना, यानी कि ऑस्ट्रिया में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संसार में परमाणु शक्ति का प्रयोग शांति, सुरक्षा एवं निर्माण की दिशा में होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 1961 में की गई। यह मानव अधिकारों से संबद्ध एक विश्वव्यापी संगठन है। अगला देखते हैं हम लोग, अफ्रीकी एकता संगठन OAU, और ये मिस्टेक से इसी में आ गया है, ये अलग से है। अफ्रीकी एकता संगठन जो है, इसकी जो स्थापना है कब की गई? 1963 में की गई। और इसका जो मुख्यालय है वो है आदिस अबाबा, यानी कि इथियोपिया में। ठीक, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष यानी कि WWF, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ग्लांड, कहाँ है? इसका मुख्यालय ग्लांड यानी कि स्विट्जरलैंड में। और जो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1961 में की गई। ठीक, अगला है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा यहाँ पे क्या होगा? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और ये यहाँ गलती से हो गया है। इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में, और इसकी जो स्थापना है 1961 में की गई। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य भी यहाँ हम लोग जानेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच आर्थिक सामाजिक कल्याण नीतियों का समन्वय करना और सदस्य देशों को विकासशील देशों के कल्याण के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने हेतु प्रेरित करना। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन यानी कि OPEC। ठीक, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हम लोग जान लेंगे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक, इसकी जो स्थापना है कब की गई? 1960 में। कब की गई? 1960 में की गई। और जो इसका मुख्यालय है वो है वियना में। ठीक है, इसका मुख्यालय वियना में है और 1960 में स्थापना की गई। अगला है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD, द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसकी जो स्थापना है 1964 में की गई और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक, अगला है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना है 1966 में की गई और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? मनीला यानी कि फिलीपींस में। उद्देश्य जरूरतमंद देशों को रियायती दर पर उधार देना। ठीक, अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि UNIDO। ठीक, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है 1966 में की गई और मुख्यालय कहाँ है? वियना में। का मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना। अगला है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी कि ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता इंडोनेशिया में, और इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में की गई। ठीक, इसमें कौन कौन से सदस्य जो देश थे शामिल थे, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसकी जो स्थापना है कब की गई, 1969 में, और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। अगला देखते हैं विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब की गई, 1971 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी यानी कि केन्या में, और इसकी स्थापना 1972 में की गई। अगला है सार्क यानी कि इसे हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षेस, क्या कहेंगे, दक्षेस, इसकी स्थापना 1985 में की गई, और इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू यानी कि नेपाल में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना, साथ ही साथ दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास करना। अगला देखते हैं हम लोग एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC यानी कि एशिया पेसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी जो स्थापना है 1989 ईस्वी में की गई, और मुख्यालय सिंगापुर में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त एवं अबाध्य व्यापार का विकास करना। कुछ और संगठन हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, तो एक है ब्रिक्स, क्या है, ब्रिक्स, इसकी जो स्थापना है कब की गई, इसकी स्थापना 2009 में की गई, और साथ ही साथ जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है वो है येकेटरिनबर्ग, कहाँ है, येकेटरिनबर्ग यानी कि रूस में। अगला है IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी जो स्थापना है कब की गई, 20 जुलाई 1956 को की गई, और जो इसका मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC में। अगला है IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को की गई, और इसका भी जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC में। एक है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार उपग्रह संगठन, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय
दूर संचार उपग्रह संगठन, इसकी जो स्थापना है कब की गई? इसकी स्थापना 1964 में की गई और इसका भी जो मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।